तो क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दखल बढ़ने से पोल्ट्री इंडस्ट्री में, तो क्या इससे भी पोल्ट्री फार्मर को नुकसान हुआ? और कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कैसे काम करते हैं जो कंपनियां हैं, वो कैसे काम करती हैं किसानों के साथ? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि जो काम हो रहा है वो उसकी कोई नियमावली नहीं है कि भी कॉन्ट्रैक्ट में किया जाए तो उसकी कोई नियम, तो जो काम करने वाला कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है उसके अपने नियम कानून हैं और वो नियम कानून एक तरफा है। हाँ, लेकिन वो उसमें क्या है कि जो फार्मर है, वो फार्मर जो है वो प्रोडक्शन को मैनेज करता है। भाई, उसका फार्म होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसकी लेबर होती है, बिजली पानी उसकी ये होती है। कंपनी जो है वो इनपुट प्रोवाइड करती है, भाई जैसे आपका चिक्स है, फीड है, मेडिसिन है, वो प्रोवाइड करती है एक कॉस्ट पर जो उसके साथ में एग्रीमेंट है। उसके बाद में जो बर्ड रेडी होता है उसको वापस सेल करती है और वजन के हिसाब से कि भाई इतना क्विंटल वजन है उसके हिसाब से उसको एक जॉब वर्क, एक तरह से वो जॉब वर्क है, तो जॉब वर्क के हिसाब से उसको 7 रुपये किलो है, 6 रुपये किलो है, 8 रुपये किलो, ये उसको दिया जाता है। हकीकत ये है कि भी जो उस किसान के साथ में जो उसको ग्रोइंग चार्ज दिया जाता है उस ग्रोइंग चार्ज का कोई आंकलन नहीं होता है कि भी वो 7 रुपये किलो किस आधार पर दिया जा रहा है, किस छोरी पर दिया जा रहा है। पीछे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया भी, तो सरकार ने भी हमारी बात को सुनने, उन्होंने जो बड़ी कंपनियां हैं उनको भी साथ में बिठाया और सरकार ने एक नियमावली निर्धारित की। लेकिन नियमावली जो है वो 2022 दिसंबर में आई, लेकिन उसका अभी तक किसी भी राज्य में उसका पालन नहीं हो रहा है। प्रदेश जैसे अपने उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर भी सरकार ने उसको लागू किया है, लेकिन उसका पालन हो रहा है, सिर्फ आदेश देने से कुछ पालन नहीं होता है, उसके ऊपर एक्शन भी लेना होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह से काम हो रहा है, अब जो फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या हुआ है कि भाई फार्मिंग जो है वो और तेजी से थोड़ी सी बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों को ये होता है कि मेरे को फार्म बनाना है, फीड चिक्स के पैसे की मेरे को जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा लोगों को काम आसान लगा। तो बाजार में क्या है कि और कंपनियां भी एक को देख के दूसरे, अब इसमें क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है वो हम अब जैसे अपने उत्तर प्रदेश में लगभग पैन इंडिया काम करने वाली 5 कंपनियां काम कर रही है, तो उनकी जो काम करने की उनकी जो रेस है तो उसमें क्या है कि भाई जो लोकल का जो फार्मर है और जो लोकल का जो प्लेयर है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि एक कॉरपोरेट किसान से एक फार्मर जो गांव का किसान है वो उससे लड़ नहीं सकता है। दूसरा है कि जो इनपुट प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं कि भी जैसे क्या है कि भी जो चिक्स आता है, चिक्स बनाने वाले जो लोग हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि ये एक मेरा पेन है, इस पेन को किसी कंपनी ने बनाया, ठीक है ना भाई, ये निर्माता है। अब ये निर्माता क्या है कि भाई ये पेन एक चेन के माध्यम से भाई हम दुकान पे लेने गए हुआ है। अब अगर मान लो ये निर्माता ही अगर रोड पर आकर या बाजार के अंदर लोगों को ये कहे भी ठीक है भी ये जो पेन है ये पेन 50 रुपये का मिल रहा है तो मेरे को इससे 40 रुपये का ले लो, तो एक किसान के सामने ये एक बड़ी चुनौती आई कि अनुचित प्रतिस्पर्धा भी हमारे इसमें होने लगी, जिसकी वजह से कि भाई जिससे उसको चिक्स मिल रहा है, जहाँ से चिक्स आ रहा है, मेन जिससे आ रहा है वो ही आदमी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहा है। अब जो ट्रेडर है, जो खरीदार है, बर्ड का खरीदार है, वो जब बर्ड लेता है तो फार्मर कहता है कि भाई आप मान लीजिए बाजार के जैसे भाव रहते हैं, मैं 90 रुपये बाजार है, तो वो कहता है बाजार 90 रुपये की, मैं तुमको 90 रुपये दे दूंगा। ट्रेडर कहता है कि भाई वो फला कंपनी है वो हमको 85 रुपये में दे रही है, तो वहाँ वो चला जाता है। तो ऐसे फार्मर क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियाँ कर रही है ये वैल्यू एडिशन बिल्कुल नहीं कर रही है, ये सिर्फ क्या है कि जहाँ फार्मर पहले सेल करता था उसी एरिया में वो सेल कर रही, तो इससे भी क्या है कि किसानों को सर्वाइवल नहीं हो पा रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ क्या है कि जो उनको बीज जिस मिल चिक्स और अंडा जो अपना हैचिंग अंडा जिस रेट में मिलना चाहिए उसमें भी क्या है कि जब ये क्या है कि भी जब बीज बेचते हैं तो पहले क्या है बीज बेचने वाला है तो बाजार को और किसान के साथ में एक संबंध रहता था, लेकिन अब उनका ये है कि वो बिल्कुल व्यापारिक तरीके है, वो एक क्योंकि किसान जो है वो फार्मिंग कर रहा है और वो क्या है एक इंडस्ट्री की तरह काम कर रहे हैं, तो ये एक इंडस्ट्री और एक फार्मर इसके बीच में जो झगड़ा होने लगा है इसमें फार्मर जो है वो अपनी फार्मिंग में वो बर्बाद हो गया है। अब बर्बाद होने से क्या है कि वो अब काम करने की उसकी क्षमता नहीं रही, तो अब वो उसने क्या किया है उन्हीं कंपनियों के में वो उसमें फार्म में वो चलने लगा है और उसका गला दबा कर जो है वो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिगर किसी नियमावली के हो रही है।
हम एज ए एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारा सरकार से भी यही निवेदन था और उनके लोगों से भी हम कहते हैं भी एक नियमावली आप बनाइए, जो अब सरकार ने नियमावली बना दी है तो अब उसको पालन तो होना पालन उसका होना चाहिए। तो जब उसका अगर पालन होने लगेगा तो वापस हमारे यहाँ पर क्या है कि अभी तो क्या है कि जो पोल्ट्री ब्रॉयलर फार्मर है वो ब्रॉयलर फार्मर मजबूरी में वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी से कर रहा है, उसकी चॉइस नहीं है। ये सिचुएशन पिछले 5-7 साल में खड़ी हुई है, जबकि होना ये चाहिए। हमारा सरकार से भी यही कहना रहता है, यही निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं कि भी फार्मर को आज़ादी होनी चाहिए, वो अपनी चॉइस से भले वो अपने फार्म पे खुद पाले या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, वो मजबूरी में काम ना करे। जब वो मजबूरी में काम करता है तो वो क्या है, उत्पादन भी अच्छा नहीं कर पाता है, फिर वो उसको पैसे बराबर नहीं मिलते हैं, तो वो भी क्या है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो थर्ड प्रैक्टिसेस वो करने लगता है, चोरियां करने लगता है। अब चोरियां करने से क्या है कि मान लो कोई फार्मर चोरी कर रहा है कि अब उसके बच्चे भी उसको देख रहे हैं, तो अगर किसी का पिता अगर चोरी कर रहा है तो बच्चा क्या करे, वो भी तो वही सीखेगा। तो ये एक पोल्ट्री में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिगर नियमावली के हो रही है, ये फार्मर को और उसकी आगे आने वाली पीढ़ी को चोर भी बना रही है।